मेकअप हो तो ऐसा हो वरना ना हो। इतने मेकअप के बाद तो मैं आईने में खुद की शक्ल ही नहीं पहचान पाऊंगा भाई। हाँ अगर मेरे पास इनके जैसे स्पेशल मिरर हो तो बात अलग है। एक्चुअली केरला में खास इसी मिरर के दर्शन करने आया हूँ। ये कोई ऐसा वैसा मिरर नहीं है, ये है अरनमुला टाउन का हैंडक्राफ्टेड सबसे साफ रिफ्लेक्शन दिखाने वाला बहुत ही अनोखा मेटल मिरर, अरनमुला कन्नाड़ी। कैपिटल सिटी तिरुअनंतपुरम से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर है टेंपल टाउन अरनमुला, जहां करीब 15 फैमिलीज ऐसी हैं जो अरनमुला मिरर्स बनाने की लगभग 500 साल पुरानी कला को आगे ले जा रही हैं। और इन्हीं में से एक है हरिदास की फैमिली। हरिदास ने बहुत छोटी सी उम्र में ये कला अपने पापा से सीख ली थी। अरनमुला मिरर हम टिन और कॉपर के एक स्पेशल कॉम्पोजिशन को मेल्ट करके बनाते हैं। इसका रेशियो एक सीक्रेट है जो कि हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को आज तक पास करते हुए आए हैं। पीढ़ियों से बनते जा रहे इस मिरर की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। कहा जाता है कि 18 सेंचुरी में तमिलनाडु के संकरन कोइल से कुछ कारीगरों को अरनमुला के राजा ने पार्थसारथी टेम्पल में काम करने के लिए बुलाया था। वापस लौटने से पहले इन कारीगरों ने राजा को तोहफे में एक मुकुट दिया और मुकुट के बीचों बीच एक ऐसा अनोखा पॉलिश्ड मेटल था जिसमें राजा का खुद का रिफ्लेक्शन दिखाई दे गया। राजा इतने दंग रह गए कि उन्होंने इन कारीगरों को अरनमुला में ही रोक लिया। ये कारीगर ऐसे और पीसेस बनाने लगे और आगे जाकर अरनमुला मिरर्स के नाम से जाने जाने लगे। इस मिरर मेकिंग प्रोसेस में पहले क्ले के इस्तेमाल से आईने के मोल्ड बनते हैं। दो क्ले डिस्क्स को मिरर की रिक्वायर्ड थिकनेस के बराबर गैप पर रखा जाता है। मिट्टी से इसके सरफेस को कवर करने के बाद इसको एक इनलेट प्रोवाइड किया जाता है। अब इसके ऊपर एक छोटा सा कंटेनर लग गया जिसमें मेटल के टुकड़ों को इंसर्ट किया जाएगा। और अब गौर से देखिए इन मेटल के टुकड़ों को। ये है टिन और कॉपर, और इनका कंपोजिशन है इस मिरर का सबसे बड़ा राज। भट्टी की गर्मी में मेटल के पिघलने के बाद मोल्ड को 6 घंटे तक ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है, और उसके बाद ये मारा हथौड़ा। अरे ये क्या निकला, आईना कहाँ है? पेशेंस रखिए जनाब, अभी तो इस बर्न क्ले के मोल्ड में से ताजी गर्मा गर्म मेटल मिरर प्लेट निकली है। इसे काटने के बाद वुडन पैनल से चिपका दिया जाता है और जूट क्लॉथ पर इसकी 1 से 2 हफ्तों तक चकाचक पॉलिशिंग होती है। इस मिरर को आखिर में कपड़े से फिनिशिंग टच दिया जाता है। क्या बात है? और ये रहा चमचमाता हाथों से बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत और यूनिक अरनमुला मिरर, और फाइनली ये ब्रास के फ्रेम में सजने को तैयार है। अरनमुला मिरर की OMG खूबी ये है कि इसमें डिस्टॉर्शन नहीं होता। अगर हम नॉर्मल मिरर की बात करें तो उसमें हमारा रिफ्लेक्शन ग्लास के पीछे लगी हुई रिफ्लेक्टिव कोटिंग की वजह से दिखता है। ग्लास के रिफ्रैक्शन इफेक्ट की वजह से हमें इमेज थोड़ी डिस्टॉर्टेड दिखाई देती है, लेकिन अरनमुला मिरर ग्लास नहीं मेटल सरफेस है और आपका चेहरा सबसे एक्यूरेट दिखाई देता है। आपको जानकर गर्व होगा कि अरनमुला कन्नाड़ी को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज GI टैग यानी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी दिया गया है, जो इसे इंडिया की शान बनाता है। और इन सबका श्रेय जाता है हरिदास और उनके जैसे चंद कारीगरों को जिन्होंने इस अनमोल कला को संजोए रखा और जो आज इंडिया का गौरव बन चुकी है। ऐसे कारीगरों की स्पिरिट को OMG ये मेरा इंडिया सल्यूट करता है।